Hello everyone. In the last two lectures, we have learned about keyboards and pointing devices. So keyboards के through हम क्या कर सकते थे? तो keyboard के through हम जो भी data है, alphabets, numbers, ये हम computer को input दे सकते थे. तो और next हम देखे कि pointing devices. Pointing devices में क्या कर सकते हैं? हम directly हम touch कर सकते हैं और जो भी icons से हम point कर सकते हैं, select कर सकते हैं. तो ये टू कैटेगरीज हमने देखे हैं. तो हम इस वीडियो में नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, स्कैनिंग डिवाइसेस. तो स्कैनिंग डिवाइसेस जो है वो क्या, स्कैनिंग डिवाइसेस अगेन फोर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल स्कैनर्स, सेकंड कैटेगरी इज कार्ड रीडर्स, थर्ड इज बारकोड रीडर्स एंड फोर्थ वन इज ऑप्टिकल कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस. ये फोर कैटेगरीज है. और फर्स्ट जो कैटेगरीज है उसमें ऑप्टिकल स्कैनर जो वो अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड हो, ये है फ्लैट बेड स्कैनर एंड पोर्टेबल स्कैनर. सेकंड कार्ड रीडर जो है वो अगेन टू टाइप्स के है, मैग्नेटिक कार्ड रीडर्स एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड रीडर्स. एंड लास्ट जो कैटेगरी कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस, वो अगेन उसमें थ्री टाइप्स के डिवाइसेस होते हैं, MICR, OCR एंड OMR. तो हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट जो कैटेगरी है ऑप्टिकल स्कैनर्स, तो ऑप्टिकल स्कैनर्स क्या करते हैं? ऑप्टिकल स्कैनर्स लाइट्स का यूज करते हैं, लेजर बीम का यूज करते हैं. तो ऑप्टिकल स्कैनर जो है, अगर आप यहाँ फर्स्ट इमेज देख पाते हो तो इट इज लाइक अ जेरोक्स मशीन जो रहती है, फोटो कॉपिंग मशीन. तो फोटो कॉपिंग की मशीन जैसे ही इसका फंक्शन है, ये जो ग्लास है वो ग्लास पे हम पेपर रखते हैं और वो पेपर क्या किया जाता है, पूरा स्कैन किया जाता है. और वो जो पेपर स्कैन करते हैं वो एज ए इमेज क्या होते हैं, कंप्यूटर में हम स्टोर कर सकते हैं, वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो भी प्रोसेसिंग करना है ये करते हैं, लेकिन वो एज ए इमेज स्टोर हो जाएगी. लेकिन अगर आपको लगता है कि उसके उसमें से कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर्स या वर्ड्स बाय वर्ड्स हम वो रिकोगनाइज कर सकते हैं, तो नहीं, ये वर्ड्स कैरेक्टर्स रिकोगनाइज नहीं कर सकते जो भी ऑप्टिकल स्कैनर्स है. तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ये है फ्लैट बेड स्कैनर का एग्जाम्पल है, और सेकंड ये जो एग्जाम्पल है वो है पोर्टेबल स्कैनर का. पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली लेके जा सकते हैं, ईजिली हम उसको कैरी कर सकते हैं. तो यहाँ पे जस्ट एज ए इमेज क्या कर सकते हैं, हम उसको स्टोर कर सकते हैं ऑप्टिकल स्कैनर्स में. तो ये टू कैटेगरीज है, फ्लैट बेड स्कैनर्स एंड पोर्टेबल स्कैनर्स. तो नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं कार्ड रीडर्स. तो आपने लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड, ये अपने बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया होगा. तो ये जो कार्ड्स रहते हैं वो कार्ड के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप में हमारे जो पर्सनल डिटेल्स है, अकाउंट डिटेल्स, नेम, बैंक डिटेल्स, ये सभी इंफॉर्मेशन क्या की होती है, एनकोड की होती है किसमें, मैग्नेटिक स्ट्रिप में. तो ये मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है एटीएम कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में जो रहती है, उसमें जो वो डेटा है, वो डेटा रीड करने के लिए जो हम स्कैनिंग डिवाइस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कार्ड रीडर. तो ये इमेज देखिए, ये जो इमेज है इसमें जो हम लाइक स्वैप मशीन यूज करते हैं, वो स्वैप मशीन जो है उसमें उसके थ्रू उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कार्ड रीडर. और वो क्यों यूज करते हैं, वो जो मैग्नेटिक स्ट्रिप में जो डेटा एनकोड किया है वो डेटा रीड करने के लिए ये मशीन का यूज किया जाता है. देन सेकंड है रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड रीडर. तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड रीडर ये जो है, ये लाइक आप यहाँ इमेज में देखिए, तो ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड रीडर और ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड. तो ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID जो है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक माइक्रोचिप रहेगी और माइक्रोचिप में जो यूज़र है उसके क्या किया जाता है, पूरे डिटेल जो है वो एनकोड किए जाते हैं. और लाइक स्वैप मशीन अगर आपने देखा है, लाइक मैग्नेटिक कार्ड, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, वो जो मशीन उसमें उसके कॉन्टैक्ट में लेके जाना पड़ता है, उसमें स्वैप करना पड़ता है. लेकिन ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड रीडर है उसको जस्ट हम लाइक फ्यू इंचेस अगर उसके पास लेके जाते तो भी वो क्या करता है, ऑटोमेटिक वो डेटा जो है वो क्या कर सकता है, रीड कर सकता है. लाइक इमेज में जैसे दिखाई, जस्ट हम उसको हमें शो करना है. तो ये देखो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, लाइक पार्किंग सिस्टम है,
या लाइक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, इस जगह पे क्या किया जाता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कार्ड रीडर्स का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है बार कोड रीडर्स। तो आप कभी मॉल्स में जाते हो या ग्रॉसरी स्टोर्स में जाते हो, तो हर एक प्रोडक्ट जो रहता है वो प्रोडक्ट पे एक कोड रहता है। देखो ऐसे वर्टिकल जेब्रा लाइंस रहती है, जेब्रा स्ट्रिप्स रहती है, इसको क्या बोलते हैं, बार कोड। और ये बार कोड में वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी क्या की जाती है वो बार कोड में लाइक एनकोड की जाती है, स्टोर की जाती है। लाइक वो जो प्रोडक्ट है उसका नेम, कैटेगरी, उसकी प्राइस क्या है, लाइक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी डिटेल जो है, ये सभी डिटेल्स ये बार कोड में लाइक स्टोर किए हो जाते हैं। तो बार, ये जो बार कोड है, ये बार कोड रीडर से ये हर एक जगह पे लाइक यूज होता है। तो इसको हम बोलते हैं UPC, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, UPC। तो ये बार कोड को हम क्या बोलते हैं, UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ये कोड अगर रीड करना है, ये बार कोड्स रीड करने हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, बार कोड रीडर की जरूरत पड़ती है, बार कोड रीडर। और ये बार कोड रीडर भी क्या रहते हैं, टू टाइप्स के रहते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज फ्लैट बेड, फ्लैट बेड जैसे अभी हमने पहले स्कैनर देखा है, फ्लैट बेड स्कैनर, उस टाइप का जो एक ग्लास रहेगा उस पर प्रोडक्ट रखेंगे या बार कोड हम शो करेंगे तो वो रीड कर सकता है। एंड सेकेंड वन इज लाइक ये जो पोर्टेबल लाइक हैंडहेल्ड डिवाइस है, हैंडहेल्ड टाइप डिवाइस रहता है, उसको क्या, उसको हम बोलते हैं वांड रीडर भी बोलते हैं, WAND, वांड रीडर। तो ये टू टाइप्स के बार कोड रीडर्स भी रहते हैं। देन नेक्स्ट है कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइसेस, लास्ट फोर्थ कैटेगरी, कैरेक्टर एंड मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। तो हमने यहाँ पे लाइक थ्री डिवाइसेस है, MICR, OCR एंड OMR, एक एक देखेंगे। लाइक अगर फर्स्ट है डिवाइस MICR, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये जो डिवाइस है, ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये स्कैनर बैंक में यूज़ किया जाता है। अगर आप चेक देखोगे तो चेक इन जो नीचे है ना, तो लाइक यहाँ पे देखो इमेज में लाइक इतने कैरेक्टर्स क्लियर नहीं है, लेकिन नीचे जो चेक है उसके नीचे क्या है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं, स्पेशल नंबर्स रहते हैं। तो ये जो नंबर्स इसमें क्या किया जाता है, जो भी लाइक यूज़र है तो उसके डिटेल्स क्या किए जाते हैं, उसमें एनकोड किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली रीड करने के लिए, जो चेक्स ऑटोमेटिकली रीड करने के लिए क्या होते हैं, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो डिवाइसेस है, जो स्कैनिंग डिवाइसेस, उसका यूज़ किया जाता है। लाइक ये जो डिवाइस है इमेज में दिखा है वो क्या है, MICR रीडर है। तो इसमें आप चेक फीड करो, ऑटोमेटिकली पूरे डिटेल्स क्या करेगा, रीड करेगा, और उसका बैलेंस ये मेंटेन कर लाइक प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो सेकंड जो डिवाइस है OCR, उसको बोलते हैं लाइक ऑप्टिकल, सॉरी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो हमने फर्स्ट जो कैटेगरी है यहाँ पे हमने देखी है, फर्स्ट कैटेगरी जो है ऑप्टिकल स्कैनर्स। तो ऑप्टिकल स्कैनर्स क्या करते हैं, लाइट्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे ऑप्टिकल स्कैनर्स में जो भी हम कुछ डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं, इमेज स्कैन कर रहे हैं, वो एज ए वन सिंगल इमेज स्कैन होते हैं, सेपरेट कैरेक्टर्स ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्थ कैटेगरी में OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस क्या करता है,
वन बाय वन आप वो लाइक वर्ड्स कैरेक्टर्स वो क्या करेगा, रीड करेगा, और हम वो रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लाइक यहाँ ये जो इमेज है तो ये देखो प्री प्रिंटेड टेक्स्ट जो है वो रीड करने के लिए क्या किया जाता है, ओ सी आर यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है। एंड लास्ट डिवाइस जो है वो है ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। जहाँ पे भी ऑप्टिकल वर्ड आता है उसका मीनिंग क्या है, वो जो डिवाइस है वो लाइट या लाइट बीम्स का यूज करते हैं। तो ओ एम आर जो है उसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ओ एम आर। तो ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये यूज होता है जो भी अपने ओ एम आर शीट रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, जो रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ओ एम आर शीट का यूज करते हैं हम, तो वो ओ एम आर शीट रीड करने के लिए क्या कौन सा डिवाइस, कौन सा स्कैनिंग डिवाइस यूज किया जाता है, ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ये इमेज में देखो आप, ये जो डिवाइस ये है ओ एम आर शीट, और ये डिवाइस है उसमें फीड किए वो ऑटोमेटिकली आपके पूरा रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है। तो ये ओ एम आर शीट जो है लाइक ये ओ एम आर रीडर जो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो डिवाइस है, ये डिवाइस की एक्चुअली फंक्शनलिटी कैसी रहती है, ये कैसे काम करता है तो हम देखेंगे। तो एग्जाम्स में जो ओ एम आर शीट रहती है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर वन उसमें रहे, लेट मी चेंज कलर, क्वेश्चन नंबर वन रहेगा उसमें चार ऑप्शंस रहेंगे, वन ऑप्शन नंबर टू थ्री फोर, लाइक जो भी है ए सी डी ऑप्शंस। तो यहाँ पे लाइक ये ओ एम आर रीडर जो है वो कैसे काम करता है वो देख हम लाइक उसकी देखेंगे। तो जब हम उस पर लाइट शेड करते हैं, इस पर हम जब प्रकाश डालेंगे तो क्या लाइक ऐसे प्रकाश डाल दी इस पर, लाइट डाल दी इस पर, तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ब्लैक सरफेस जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, ब्लैक सरफेस एब्सॉर्ब्स मोर लाइट। तो हम क्या करते हैं जो भी हमारा आंसर है, तो हम आंसर क्या करते हैं जो पेंसिल से, ब्लैक पेंसिल से हम उसको क्या करते हैं ऐसे सेलेक्ट करते हैं, करेक्ट। और जब हम उस पर लाइट डालेंगे तो क्या होगा, तो जहाँ पे भी लाइक मार्क किया है वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन जो है, लाइट का जो परावर्तन है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी इसका मतलब लाइक ये आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है बहुत कम रहेगा, यहाँ से ज़्यादा रहेगा, यहाँ से ज़्यादा रहेगा, ऑप्शन ए सी डी से लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा रहेगा, और ऑप्शन बी जो है वहाँ से लाइट रिफ्लेक्शन बहुत मिनिमम रहेगा। तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई करेगा कि यस जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या किया है कि ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है, इस तरह से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ओ एम आर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। तो हमने अभी पूरे स्कैनिंग डिवाइसेस देख लिए हैं, और भी एक कैटेगरी रहती है लाइक इनपुट डिवाइसेस की, वो है इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस, इमेज इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस। इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस तो अपना डिजिटल कैमरा या डिजिटल वीडियो कैमरा जो है वो क्या आते हैं, वो है इमेज कैप्चरिंग डिवाइसेस। तो इस तरह से हमने सभी इनपुट डिवाइसेस देख लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फंक्शनलिटीज क्या होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिलो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।